इसके साथ ही नगर निगम ग्रेटर और पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद रामचरण बोहरा, मेयर सौम्या गुर्जर ने आम जनता के साथ बैठकर योगा किया। मेयर के साथ साथ पार्षद राकी राठौड़, दिव्या सिंह सहित नगर निगम के सफाई कर्मचारी और अधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान सभी ने योग और आसन किए और सेहत को लेकर योग करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय ताकत को पूरे दुनिया ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 21 जून ऐसा दिन बन गया, ऐसा अवसर बन गया कि पूरी दुनिया के 200 देश इस योग के अभ्यास को करके इसमें सुकून ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं और आरोग्य का मार्ग ढूंढते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को, गुलाबी नगर के निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से महर्षि पतंजलि के उस पथ पर चलते हुए स्वामी रामदेव जी ने योग को घर घर पहुंचाया, अलख जगाई और आज यही योग दुनिया के लिए निरोग का एक बड़ा कारण बन गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी इस गुलाबी नगरी के वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2015 को शुभारंभ किया और आज हम 8वां योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। बाबा रामदेव ने जिस प्रकार से घर घर पहुँचाने का ये जो कार्यक्रम, योग करो योग रहो निरोग की जो भावना प्रेरित की और आज जयपुर नगर निगम ने या स्टेडियम पर एक भव्य कार्यक्रम किया, मैं समझता हूँ कि इससे प्रेरणा लेकर सभी लोग योग करेंगे और निरोग रहेंगे। मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, दिवस की सभी को शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं। और योग जो है, योग का बहुत एक धार्मिक महत्व के साथ में शारीरिक लाभ भी है और अगर योग से आप जुड़ेंगे तो आप देश से जुड़ेंगे, आप अपने शहर से जुड़िए। योग का मतलब ही जुड़ना होता है और अगर आप योग से खुद के शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो शरीर के साथ में आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन मिलकर अच्छे शहर की, सुंदर शहर की संकल्पना संकल्पित हो सकती है। इसलिए सुंदर शहर को बनाए रखने के लिए योग अभ्यास करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्सव के रूप में मना रहा है और इसी कड़ी के अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने 1 जून से ही हर वार्ड वार्ड में जाकर सब स्वच्छता योद्धाओं को योग करवाया है ताकि हमारे स्वच्छता योद्धा, जिनका हमारे प्रधानमंत्री जी ने चरण धोकर जिनका सम्मान किया, आज हम उन स्वच्छता योद्धाओं को शहर की सफाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में जुड़कर हम उनका साथ दें, उनको योग करवाएं, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शहर